गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे पीपोर बॉरर मटर फली छेदक, जो कि चने का नेक्स्ट पेस्ट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसका जो फाइलम क्लास आपको पता ही है इंसेक्ट्स की क्या है, तो इसका जो ऑर्डर है वो है लेप्टोप्टेरा फैमिली, इसकी है फाइसिडरी। और अगर हम जीनस की बात करें तो जीनस इसका है एचेला और स्पीशीज है जिंकिनेला। तो ये जो स्पीशीज है वो वेरी कर सकती है, जबकि जो ऑर्डर है या फैमिली है क्लास और जो फाइलम है वो सेम रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके होस्ट प्लांट की, इसके पोषक पौधे के। तो इसके जो होस्ट प्लांट हैं वो है मटर, मसूर, अरहर, सनई, लोबिया आदि जो प्लांट्स हैं वो इसके होस्ट प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, कि इंडिया में और वर्ल्ड वाइड ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, इसका जो स्कोप है वो कौन कौन से प्रदेश में या कौन कौन से देशों में पाया जाता है। वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करते हैं तो ये है बर्मा, श्रीलंका, अमेरिका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि में पाया जाता है। जबकि इंडिया की बात करें तो ये स्पेशली यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके नेचर ऑफ डैमेज की, इसका जो डैमेज है वो कौन करता है, लार्वा करता है, एडल्ट करता है, या इसकी लाइफ की कौन सी स्टेज है जो फसल को नुकसान पहुंचाती है। तो इसका जो लार्वा है वो फसल को नुकसान पहुंचाता है। जब लार्वा निकलता है अंडे से, अगली जो अवस्था बनती है तो वो क्या करता है, अपने चारों ओर एक जाल बुन लेता है, फिर छेद करके फली में घुसकर बीज को क्षति पहुंचाता है ना। पहले क्या करता है, अपने अपने आसपास जाला बुनता है और फिर फली के अंदर घुस जाता है और जो बीज है उसको डैमेज कर देता है, और फिर दूसरे स्थान पर बढ़ते हुए जो बीज पत्तर है उनको भी खा लेते हैं। तो 2-3 दिन के अंदर के बीज के अंदर के सारे भागों खाने के बाद जो बीज के बाहर के हिस्से को खाना शुरू कर देता है, और फली के अंदर ही एक दाने से दूसरे दाने में पहुंचकर ये क्षति करते रहते हैं। ये आवश्यक नहीं होता कि बीज दाने को पूरा नष्ट करते हैं बाद में दूसरे दाने में जाए, ये पहले दाने को आधा खा के छोड़ देते हैं और दूसरे दाने को भी डैमेज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो फलियां होती हैं वो बेकार हो जाती हैं, बेरंग हो जाती हैं, उनमें पानी भर जाता है और उसमें से स्मेल भी आने लगती है। और अगर उसमें हम इनको फलियों को खोल के देखते हैं तो उसमें जो इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो भरा होता है, और इससे 50 से लेकर लगभग 77% जो दाने हैं वो ग्रसित हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, और लगभग 24% जो पैदावार होती है फसल की वो कम हो जाती है। और अगर मसूर की फसल में इसका प्रकोप होता है तो ये जो दाने होते हैं वो पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं उन दानों को। और कभी कभी क्या होता है कि जो मसूर की जो फसल होती है उसमें ये 2-4 फलियों वो एक साथ जाले में बुनकर भी नष्ट करता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी, अब देखो डैमेज करने का तरीका कितना नहीं है, है ना। बाकी क्या करते हैं, लार्वा सीधा पत्ती के अंदर सुरंग बनाते हैं, स्टेम बोरर तो स्टेम के अंदर घुस जाता है, लीफ बोरर तो लीफ के अंदर घुस जाता है। ये क्या करता है कि अपने आर बार पहले अपने आस पास जाला बनाता है और फिर फली के अंदर घुस जाता है, है ना। उस पॉट के अंदर घुस के उसके जो दाने हैं वो फसल के, चाहे वो चने हैं, चाहे वो मटर है, चाहे वो फिर दालें हैं, हर कोई भी है, लोबिया, तो उसकी जो दाने हैं उनको ये नष्ट कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी लाइफ हिस्ट्री की, तो लाइफ हिस्ट्री में इसमें कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, 4। हमने बात की ना 3 या 4, 2 तरह की स्टेज पाई जाती है, एक है 3 और सेकेंड है 4। तो इसमें पाई जाती है 3 वाली जो स्टेजेस है उसमें होता है हमारे पास एग, लार्वा और एडल्ट,
और जो फोर स्टेजेस की बात करें तो इसमें हमारे पास एक लार्वा, प्यूपेंट, एडल्ट। फर्स्ट स्टेज जो एग उसकी बात करते हैं, तो एग क्या होता है, एग जो होता है वो कब निकलते हैं, रात के समय। और जो पॉपुलेशन की क्रिया होती है वो जो कोमल पत्ती है उसके पास, शिराओं के पास, या कोमल सॉरी जो पॉपुलेशन की क्रिया उसके बाद जो कोमल पत्तियां या उसकी शिराएं हैं मटर मसूर में फूलों के बाहर एग लेइंग की जाती है, जो फीमेल इंसेक्ट द्वारा एग लेइंग की कर दी जाती है वो। उसके बाद क्या होता है, जो ये पार्थोजेनेसिस से भी एग्स देती है, जो फीमेल है वो पॉपुलेशन क्रिया के बाद भी एग लेइंग करती है, और जो पार्थोजेनेसिस से अनिषेक जनन है उससे भी एग दिए जाते हैं। और जो मसूर की जो फलियां होती हैं उसके ऊपर एग लेइंग की जाती है, और एक एक करके मटर की जो फलियां उस पर 4 से 6 ग्रुप में ये एग दिए जाते हैं। और लाइफ साइकिल में, पूरी लाइफ साइकिल में जो फीमेल इंसेक्ट है वो 44 से 178 एग देती है। पूरी जो लाइफ टाइम है उसमें 44 से 178 एग तक एग देती है। और जो ये एग का टाइम होता है, एग हैचिंग का, वो 4 से 7 दिनों का होता है। 4 to 7 डेज में एग है जो हैच होकर नेक्स्ट जो फॉर्म है लार्वा या कैटरपिलर उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब इसमें फिर से दो तरह की कंडीशन पाई जाती है, एक पाई जाती है नॉर्मल 4 to 7 डेज, जबकि अगर हम एडवर्स कंडीशन की बात करें, प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, तो इसका जो टाइमिंग है वो बढ़कर लगभग 33 डेज हो जाता है। हैचिंग का टाइम में चेंजेस अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस, यदि फेवरेबल कंडीशन है तो 4 to 7 डेज, और यदि इनफेवरेबल कंडीशन है तो लगभग 33 डेज तक एग हैचिंग का टाइम रहता है। और एग का जो साइज है वो 0.6 mm लंबा और 0.3 mm चौड़ा होता है, और ये चमकीले वाइट कलर का रहता है जब ये फ्रेश एग होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्वा। अब एग से जो लार्वा निकलता है वो 1.0 mm लंबा और येलो कलर का होता है, जो बाद में दूधिया रंग का हो जाता है। और ये जो सुंडी निकलती है, एग से जो लार्वा फॉर्म निकलती है, वो 30 से 50 मिनट में अपने बाहर जाला बुनती है। अभी हमने पहले उसके नेचर ऑफ डैमेज में देखा था कि जो लार्वा है वो अपने आसपास एक जाला बुनता है, तो ये लगभग 30 से 50 मिनट में एक जाला बुनते हैं और फिर एक घंटे में फली के अंदर घुस जाती है, है ना। पहले जाला बुनते हैं, ये प्रोसेस हमने देखा था ना नेचर ऑफ डैमेज में, पहले ये जाला बुनती है और जाला बुनने के बाद ये फली में प्रवेश कर जाती है। तो सेम कंडीशन क्या है, 30 to 50 मिनट में एक जाला बुन लेते हैं और लगभग एक घंटे के टाइम में ये फली के अंदर छिद करके घुस जाती है। और फली में प्राय अबाउट एक ही जो सुंडी है वो प्रवेश करती है, और इसका जो कलर है वो 6 to 7 डेज में लाइट कलर हो जाता है, हल्का रंग हो जाता है। और इसका जो पूर्ण विकसित लार्वा होता है, जो सुंडी पूर्ण विकसित होती है, तो वो 12 से 17 mm लंबा लंबी और 2.5 से 3.5 mm चौड़ी हो जाती है, मीन्स इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है और ये कम्प्लीटली डेवलप हो जाती है। और इसमें क्या होता है, कैनिबलिज्म की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। वो क्या होता है, स्वजाति भक्षण, मीन्स अपनी ही जातियों की जो इंसेक्ट की जो लार्वाज है उसको ही खा जाते हैं, मतलब आपस में ही एक दूसरे को खा सकते हैं, स्वभक्षण कहते हैं, स्वजाति भक्षण। और ये जो लार्वा का टाइम होता है ये 10 to 17 डेज होता है। नेक्स्ट फॉर्म की बात करते हैं प्यूपा। प्यूपा क्या होता है, जो पूर्ण विकसित लार्वा होता है वो जमीन में ही 2 से 4 सेंटीमीटर गहराई तक प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं। और इस प्यूपा अवस्था में जाने से पहले जो लार्वा है या जो सुंडी है जो कैटरपिलर है वो आकार में सिकुड़ जाती है और उसका रंग पीला हरा हो जाता है। और यह पूर्व
ये जो उस कोकून में जाने से पहले ये सुंडी 2 से 4 दिन तक पूर्व पुपा अवस्था में रहती है, मतलब जब तक कोकून बनाते हैं ये कृमि कोष जो बनता है उससे पहले ये 2 से 4 दिन पूर्व पुपा अवस्था में रहती है। 2 से 4 दिन पहले पूर्व पुपा अवस्था में रहती है और ये जो प्यूपा है वो 7 से 10 mm लंबा, 2.5 से 3.7 mm चौड़ा होता है। इसका जो कलर है वो लाइट होता है और जो बाद में क्या होता है हल्के भूरे रंग में बदल जाता है। ये जो अवस्था होती है प्यूपा अवस्था कृमि कोष जिसको कहते हैं ये 10 to 20 days ही रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रौढ़ की या इसके अडल्ट की। तो जो एडल्ट जो इंसेक्ट होता है वो ब्राउन कलर का मॉथ होता है, शल्ब जिसको कहते हैं ना। अब एक भृंग होता है, एक बीटल होता है, एक शल्ब होता है, तो ये अलग अलग क्या है सारे इंसेक्ट्स हैं। इनको बग, बीटल, मॉथ कहा जाता है और बटरफ्लाई। तो ये क्या होता है ब्राउन कलर का शल्ब होता है और अगर ये रेस्टिंग स्टेज में होता है तो 15 to 20 mm लंबा और 3 to 3.4 mm चौड़ा होता है। 3.4 mm चौड़ा होता है और इसके सिर के किनारे पर एक ग्रोथ पाया जाता है। ये इसके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर बताए जा रहे हैं। और ये कब दिखाई देते हैं खेतों में, ये अडल्ट फरवरी के अंतिम सप्ताह में, फरवरी के अंतिम सप्ताह में दिखाई देते हैं और लगभग पूरे साल ये एक्टिव रहते हैं, मतलब पूरे साल ये एक्टिव कंडीशन में रहते हैं। पूरे साल ये ऐसे इसमें कोई अवस्था नहीं आती जिसमें ये इनएक्टिव हो जाए या दिखाई ना दे। और इनका जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ टाइम होता है, वो 27 से 40 days में पूरा हो जाता है और एक साल में कितनी पीड़िया देते हैं, 5। और ये वेरी भी करती हैं, इनमें वेरिएशंस आती हैं फसल के अकॉर्डिंग। इसकी जो पीड़िया है वो अलग अलग भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है 3 भी हो सकती है। अब देखिए इसके लाइफ साइकिल में हम देखते हैं कि लाइफ साइकिल में क्या होता है। फर्स्ट हमारे पास स्टेज है एग, फर्स्ट स्टेज है ना, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज है और ये हमारे पास सेकेंड स्टेज आ जाती है। ये हमारे पास है फर्स्ट स्टेज और ये हमारे पास है सेकेंड स्टेज। 4 to 7 days में एग से क्या होता है, हम शॉर्ट में इसको रिवाइज कर लेते हैं ना, लाइफ साइकिल को पढ़ते हैं तो लार्वा मिलता है या इसको कैटरपिलर कहते हैं और 10 to 17 days में हमारे पास थर्ड स्टेज प्यूपा में बदल जाते हैं। और प्यूपा से 10 to 20 days में क्या मिलता है हमें, जो इसका एडल्ट स्टेज में ये कन्वर्ट हो जाता है। और 1 to 2 days में क्या करते हैं, कॉपुलेशन की क्रिया के बाद फीमेल जो इंसेक्ट है फिर से एग ले शुरू कर देती है। इस प्रकार इसमें मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट पाया जाता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। टोटल लाइफ साइकिल 27 to 46 days जाता है और एक साल में 5 generations मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका जो कंट्रोल है वो कैसे करते हैं या किस प्रकार से इसका जो प्रकोप होने पर हम इसको मैनेज कर सकते हैं कि जो पैदावार है, जो फसल है वो डैमेज नहीं हो। तो ये जो फर्स्ट हमारे पास जो उपाय है वो है कि इंडोस्टार्बर है ना, और फार्मोथियन सॉरी मिथाइल डाइमेटोन कार्बारिल, ये इसकी जो ये फिक्स मात्रा दी हुई है, ये निश्चित मात्रा इसका छिड़काव फसलों पर किया जाता है। और इंडोसल्फान 2% जो डस्ट होती है, या कार्बारिल या फैनी फैनीट्रोथियन 5% डस्ट का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम उसको उसके ऊपर छिड़क देते हैं। और इसके प्राकृतिक शत्रु जो होते हैं जो इसके लार्वा को खाते हैं उसको भी हम यूज करके उनका प्रयोग करके हम इसकी जो इंसेक्ट की जो संख्या है या उसकी जो पॉपुलेशन है उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टेस्ट करेंगे। इस प्रकार ये फसलों के आपके अलग अलग सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट हैं, तो
अभी हमारे पास चने का पेस्ट था, आज तो दूसरा किया है, अभी हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो।